किसका है ये इंतजार, मैं हूं ना। स्वागत है आपका आज सरकारी नौकरी में, और पेश हुई है आज आपके लिए सरकारी नौकरी हिमाचल के राजस्व विभाग में। और राजस्व विभाग में पटवारी के पद के लिए नोटिफिकेशन जारी होने वाली है, और इसकी बम्पर नौकरी के लिए जो है वो बम्पर प्राइज और बम्पर नौकरी जो है वो शुरू हो रही है, और 874 पोस्टों के लिए जो है अब भाग दौड़ और शुरू हो चुकी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं विजयपथ एजुकेशन की तरफ से जॉब अलर्ट्स में लेकर आया हूं पटवारी हिमाचल प्रदेश, जिसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी हुई है, कल ही जारी हुई थी। कल मतलब 22 अगस्त को, और इसमें हमारे पास 874 पोस्टों के लिए जो है कैबिनेट में जो है इसकी फाइल गई थी, और इस फाइल में जो है वो इसे आगे पेश किया गया, और वो जो पोस्टों हैं उनके लिए उसे पारित कर दिया गया। अब जल्द ही जो है इसकी दौड़ शुरू होने वाली है। मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट जो है अपनी प्रैक्टिस करिए। जिन बच्चों की प्रैक्टिस है मैं उनको कहूंगा कि आप हमारे साथ जुड़िए, और विजयपथ एजुकेशन की जो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करिए, और वहां से आप हमारे जो है वो मॉक लगाइए। तो फटाफट हमारे साथ जुड़िए। तो मैं सबसे पहले आपके लिए लेकर आया हूं वो क्या है कि हिमाचल प्रदेश में जो है कैबिनेट ने 874 पदों के लिए जो है वो मंजूरी दे दी है भरने के लिए, और आप सभी प्रकार के जो है सुनहरा मौका और आप सबके लिए जो है वो शुरू हो चुका है नौकरी पाने के लिए। वो है विजयपथ गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन ऐप, जो कि आप जो है डाउनलोड करें विजयपथ गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन ऐप को प्ले स्टोर से। तो मैं आपको लेकर आया हूं कि ये हमारे 874 पोस्टों के लिए जो है मंजूरी मांगी गई, और कैबिनेट मिशन में जो है सुख की सरकार ने जो है अब जाकर जो है एक बच्चों की तरफ जो है हमारे प्यारे बच्चे जो क्योंकि मिडिल क्लास फैमिलीज जो नौकरी की तलाश में रहते हैं तो उनकी तरफ देखा है। तो इस बारिश के मौसम में तो अब जाकर जो है ये एक 874 पोस्टों के लिए निकालने वाले हैं। तो फटाफट आप तैयारी करिए। तो मैं अब आपको ये बताऊंगा कि ये तो हो गया नौकरी के लिए, मगर बच्चों जो नए एस्पिरेंट हैं हमारे तो वो क्या करेंगे, तो वो किस प्रकार से उम्मीदवारी अपनी जो है चयनित करेंगे, मैं उनके लिए लेकर आया हूं पूरा सिलेबस। तो चलिए आप सिलेबस देखते हैं कि पेपर में क्या क्या आना है। तो सबसे पहले पटवारी पेपर पैटर्न 2023 बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न है भैया, तो शेयर कर देना वीडियो को, अगर आपको अच्छी ना लगे तो भैया डिसलाइक कर देना, पर जरूर इसको शेयर करना अपने फ्रेंड्स में, किसी की हेल्प हो जाएगी। भैया इसमें क्या दिया है, अर्थमेटिक गणित के 25 सवाल हैं, 25 अंक हैं, इंग्लिश का आएगा उसके 25 क्वेश्चन हैं, और 25 ही नंबर के हैं, यानी कि हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का है मेरे लाडलो। इसी प्रकार से हिंदी के भी 25 सवाल आएंगे और 25 ही अंक के होंगे, जैसा मैंने आपको बताया। जनरल नॉलेज की अगर हम बात करें तो उसमें जो है अगर जनरल नॉलेज की बात करें तो इसमें जो है वो हिमाचल प्रदेश का सामान्य ज्ञान और राष्ट्रीय दोनों आते हैं साथ साथ में। मेरे बच्चों करंट अफेयर जरूर पढ़ के जाइएगा, साथ में स्कीम्स, ठीक है, और साथ में परियोजनाओं से जुड़े हुए क्वेश्चन पक्के आने होते हैं, तो ये जरूर तैयार करिएगा। मैं आपको पूरी डिटेल अभी जो है वो देने जा रहा हूं, इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, अंत तक देखते रहिएगा होना क्या है। तो देख सकते हैं अगर 25-25 ये पूरे आने तो कुल क्वेश्चन कितने आएंगे, 100 नंबर आएंगे, और 100 में से 100 नंबर आपको लेने हैं, और 100 के 100 आएंगे डेफिनेट, और समय 120 मिनट का है, यानी कि 120 मिनट में यानी कि 2 घंटे में आपको ये प्रश्न करने हैं। बहुत ज्यादा खुला समय है मेरे बच्चों, तो आप जुट जाओ और लगा दो अपनी जी जान इन पोस्टों में, 874 पोस्टों में एक पोस्ट अपने नाम की जो है वो दाखिल करवानी है, और इस बार पटवारी बनना है, हाकम की पोस्ट आएगी भैया, तो इसलिए फटाफट जो है जुड़ जाइएगा।
इसके बाद मैं आपको बता देता हूं, ये परीक्षा जो है ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू होते हैं, चार ऑप्शंस सही गलत बताना है, 100 अंक के होते हैं, वैसे ही जैसे ओएमआर शीट पर होंगे 2 घंटे के लिए, और संख्या जो है वो भी कुल प्रश्नों की संख्या 100 ही होगी, मैंने पहले ही आपको बता दिया है। अब सामान्य ज्ञान की बात करते हैं, आना क्या क्या है, सब्जेक्ट वाइज सिलेबस की बात कर रहा हूं। तो सिलेबस में भारत, हिमाचल प्रदेश की संस्कृति, विरासत, सामान्य राजनीति, हिमाचल और भारत आदि के संबंधित सामाजिक कार्यक्रम, भारत और हिमाचल प्रदेश का भूगोल, जैसे कि हमारा भूगोल हिमाचल जो है वो कौन से हिमालय के कौन से भाग में पड़ता है, हिमालय के कौन से भाग में, ये भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो है हिमाचल का इतिहास कैसा रहा है, गोरखे जो है गोरखाओं ने हिमाचल पर यानी कि कांगड़ा पर कब आक्रमण किया, क्या शेरशाह सूरी जो है हिमाचल में कब आए थे, कौरवों की तरफ से जो है हिमाचल का कौन सा राजा लड़ा था, तो इस प्रकार से जो है हिमाचल के क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट आता है प्रौद्योगिकी विज्ञान यानी कि CISR कहां पर है हिमाचल में, तो पालमपुर में है, इस प्रकार सा सवाल आएगा। भारतीय संविधान से जुड़े हुए सवाल होंगे, यानी कि अब मैं पूछता हूं कि जम्मू कश्मीर में से कौन सा आर्टिकल जो है वो हटाया गया है, यानी कि तो आप याद होना चाहिए भारत का इतिहास यानी कि वेदों से जुड़ा हो सकता है, बौद्ध से जुड़ा हो सकता है, औरंगजेब से हो सकता है, मराठा साम्राज्य से हो सकता है, कि उसकी स्थापना किसने की थी, तो इस प्रकार से है। राष्ट्रीय आंदोलनों से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हो सकता है कि जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन महात्मा गांधी जी ने जो चलाए थे वो कौन कौन से थे, असहयोग आंदोलन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन था, या खेड़ा विद्रोह था, ये अलग 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 क्वेश्चंस थे बनते हैं, और ये क्वेश्चंस जो है डेफिनेटली आने वाले हैं। तो फटाफट जो है इस वीडियो को भी देखिए और साथ में नोट कर लीजिए 1-1-1-1 सिलेबस। इसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश में ही राजनीति और अर्थव्यवस्था से, भारतीय भूगोल और जनसंख्या से, भारतीय इतिहास, देश और राजधानियां भी पूछ लेते हैं, वैसे पूछ ही नहीं है, पूछ भी सकते हैं, विज्ञान और नवाचार, साइंस के भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, साइंस के जो हमारी जनरल साइंस होती है, जैसे कि हमारी स्किन है तो स्किन का कलर किसका बना है, आंखों की सुपृष्ठ दूरी कितनी होती है, जब हम आंख का दान करते हैं तो कौन सा भाग का दान करते हैं, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है सामान्य विज्ञान के आएंगे। विश्व संगठन WHO की स्थापना कब हुई, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, IMF की स्थापना कब हुई, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, या वर्ल्ड बैंक का की स्थापना कब हुई, इसका जो हेडक्वार्टर कहां है, तो ये होते हैं विश्व संगठन। ऐसे ही भारतीय अर्थव्यवस्था है, महत्वपूर्ण तिथियां जैसे कि जल दिवस हो गया या वायु दिवस हो गया, तो उनकी बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही विज्ञान प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए सवाल जो पूछे जा सकते हैं और भी है। भारत में प्रसिद्ध संस्थान जो मेन संस्थान है तो वो पूछा जा सकता है, जैसे IIT कहां पर है हिमाचल में, तो मंडी में है, तो वो पूछे जा सकते हैं। किताबें पूछे जा सकती हैं, किताबों के लेखकों के नाम पूछे जाते हैं, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किताबों से जुड़े हुए सवाल, जैसे कि एक निक नेम भी पूछ सकते हैं, यानी कि किसी को क्या कहा जाता है, पहाड़ी बुलबुल किसे कहा जाता है, किसने कहा, ठीक है, इस प्रकार से पहाड़ी गांधी, गुड़ी दिवाली, ये है इस प्रकार से। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जो है उन घटनाओं को आप पढ़िए GK के लिए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और करिए हमारे साथ तैयारी। इसी प्रकार से सिलेबस में हिंदी का सिलेबस लेकर आया हूं, हिंदी में आएंगे समास, पर्यायवाची, तत्सम और तद्भव शब्द, संधियां हैं, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कार, काल, वर्तनी, त्रुटि से संबंधित, इनार्थक शब्द, त्रुटि सुधार या रेखांकित भाव आ सकता है। इसी प्रकार से हिंदी में ही वर्तनी है, विलोम शब्द है, वाक्यों के लिए पूरा करना है, उपसर्ग है, वाक्य पैटर्न है, अनुसूचित शब्द है, पूर्व सर्ग है, प्रत्यय है, मुहावरे, वाक्यांश, वाक्य
व्यवस्था ये है, यहीं पे रक्त भरे सॉरी रिक्त स्थान भरने के लिए आ सकते हैं, परिवर्तन आ सकते हैं, वाक्य सुधार आ सकता है, वाक्यों से को जोड़ना आ सकता है, सामार्थक प्रतिस्थापना आ सकती है, वाक्यों को पहचानना, अलंकार आ सकते हैं या रस भी आ सकते हैं, कुछ भी आपका ये सारा का सारा ये सिलेबस है जो लेटेस्ट पैटर्न जो 2023 के ऊपर जो है वो बेस्ड है। तो आप तैयारी करिए हमारे साथ। इसी प्रकार से मैं इंग्लिश का लेकर आया हूं, पैरा कंप्लीशन है, एरर कॉरेक्शन है, स्पेलिंग टेस्ट है, पैसेज कंप्लीशन है, अपना सेंटेंस अरेंजमेंट है, फिलिंग द ब्लैंक्स है, ट्रांसफॉर्मेशन है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, ज्वाइनिंग सेंटेंसेस है, एरर कॉरेक्शंस है, आइडम एंड फ्रेजेस है, सफिक्सेस है, आर्टिकल्स है, आइडेंटिफाई द एरर है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, ठीक है, एंटोनिम्स ये देखिए। तो इसी प्रकार से जो है आइडेंटिफाई द सेंटेंस है, सेंटेंस कंप्लीशन फिर से आ गया है, इसका प्रीफिक्सेस है, सेंटेंस पैटर्न है, ओल्ड वर्ड है, प्रपोजिशंस है। तो इस प्रकार से अब मैं गणित का आपको सिलेबस बताता हूं, गणित में क्या क्या आ सकता है। गणित में अनुपात समानुपात यानी कि रेशियो प्रोपोर्शन है, स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट, एवरेज, एलसीएम एचसीएफ, प्रॉब्लम बेस्ड नंबर्स, ट्रिग्नोमेट्री, कन्फ्रीगेंस एंड सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, सर्कल एंड कॉर्ड्स, क्वाड्रिलेटरल, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, पार्टनरशिप एंड डिस्टेंस, वोट एंड स्ट्रीम, वर्किंग एंड टाइम यानी कि टाइम एंड वर्क, ठीक है, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, नंबर एंड एज, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, रेगुलर पॉलीगन, स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन एक्सेट्रा। ये है सिलेबस आपका 2023 पटवारी। इसको नोट करिए, चैप्टर वाइज तैयारी करिएगा बेटा, हर कुछ तैयारी करने की जरूरत नहीं है। आप हमारी प्ले स्टोर पर जाइए, ऐप डाउनलोड करिए विजय पथ एजुकेशन की, और विजय पथ गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन ऐप, और इस ऐप में आपके लिए हम लेकर आए हैं फ्री क्लासेस, पेड क्लासेस हैं, हमारी टेस्ट सीरीज है, और पटवारी की टेस्ट सीरीज बहुत ही सस्ते प्राइस पर जो है वो जा रही है। तो फटाफट अपनी सीट बुक करिए, तब तक के लिए मिलते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।